फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट वाइज कट ऑफ रेंज, मींस कौन कौन से स्टेट हैं जो हाई मेरिट में होने वाले हैं, कौन से स्टेट हैं जो मीडियम जिनकी मेरिट आती है और कौन से स्टेट हैं जिनकी लो मेरिट आती है। उसके हिसाब से मैंने एक रेंज बना के रखा है, 600 प्लस, 550 प्लस और 500 प्लस। इसमें यह मतलब नहीं हुआ कि 600 प्लस में उन स्टेट का कट ऑफ 600 ही जाएगा या 550 प्लस में 550 ही जाएगा। वो रेंज 550 से 590 के बीच में लाई कर सकता है, डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट किस तरह से परफॉर्मेंस रहती है। ठीक है, तो वो कट ऑफ नहीं है, वो एक रेंज है। तो ऐसे मैंने कई सारे स्टेट की यहाँ डिटेल दी हुई है, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, शुरू से देखेंगे लास्ट तक, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे बहुत सारे बच्चे हैं, खासकर जो नए बच्चे मेरे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, उनको बहुत सारी ऐसी मेरी इन्फॉर्मेशन है या मेरे वीडियोस है जो उनको पसंद नहीं आते हैं और वो उन सब चीज़ों से एग्री नहीं करते हैं और वो बहुत ही बेकार टाइप के कमेंट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में ऐसा ही हुआ था, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को समझाया भी, उसके बाद मैंने कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया था क्योंकि उसमें फालतू के कमेंट्स डालने से क्या फ़ायदा। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन मेरी डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम है या फिर आप नहीं सोच सकते कि नहीं ये जो इन्फॉर्मेशन इनकी हाई फाई है या फिर ये फर्जी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ हजारों चैनल हैं, हजारों में से बहुत मींस 90% ऐसे होंगे जो आपको आपके पसंद की ही बात कहेंगे, जो आपको अच्छी लगेगी, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन को, वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप इस तरह के मीन्स फालतू के कमेंट्स उसमें मत करिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर चले आ रहे हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो बाहर के बच्चे हैं जो ना मेरे सब्सक्राइबर हैं और ना ही मुझे सब्सक्राइब करने वाले हैं, ये बाहर से जो आते हैं वो फालतू के कमेंट्स करते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स को गंदा करते हैं। तो कृपा करके ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल वो मीठी मीठी बातें वो सब मैं नहीं करूँगा कि बड़ी सी टीवी लगा के, मैं बार बार यही बोलता हूँ, आप ऐसे बहुत सारे बच्चे भूलते हैं बड़ी टीवी, तो बड़ी टीवी लगा के मैं अच्छा कोट टाई पहन के या फिर अच्छा ड्रेसिंग करके मैं वो सब नहीं कर सकता हूँ कि आप लोग को बटरिंग करूँ और ये सब करूँ, वो सब मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ पे केवल वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सही में मेहनत करके आ रहा है, वो मेरे वीडियो से बेनिफिट होगा, 100% होगा। और जो यहाँ इस चैनल पे लास्ट तक टिक गया उसका तो वारे न्यारे हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत ही कम बच्चे हैं जो टिक पाते हैं, इसलिए सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, स्टेट कोटा कट ऑफ के बारे में ये वीडियो है और यहाँ पर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो स्टेट जिनका कट ऑफ से 600 प्लस या 600 के इर्द गिर्द, वो स्टेट जिनका कट ऑफ 550 प्लस, वो स्टेट जिनका कट ऑफ 500 प्लस रह सकता है, इसके बारे में ये वीडियो है। तो यहाँ से आपको हल्का फुल्का आइडिया भी मिल जाएगा, खासकर जनरल के कैंडिडेट्स को, कि ओवरऑल किस तरह से आपकी मेरिट इस बार जा सकती है। तो हालांकि ये जो डेटा है ये स्टेट मेरिट पे भी डिपेंड करता है, स्टेट मेरिट, ठीक है। 600 प्लस पहले बात कर लेते हैं, कौन कौन से स्टेट हैं जो 600 प्लस या फिर प्लस माइनस हल्का नीचे ऊपर हो सकता है, ठीक है। वो स्टेट है, अभी 600 प्लस का मतलब ये नहीं हुआ कि सबका 600 प्लस ही होगा, 590 से 600 के रेंज में, ठीक है, 595 596, इसकी ये इसी के रेंज में आएगी, ठीक है, मीन्स 590 से 600 ये मान के चलिए, या 590 प्लस से लेके 600 प्लस ऊपर तक। इसमें सबसे टॉप पे हमारा जो स्टेट आएगा वो आएगा दिल्ली, हालांकि दिल्ली का 600 प्लस से कहीं ज़्यादा, मीन्स लगभग 600, 630, 640 या फिर 650 के करीब दिल्ली का, ठीक है। दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तीसरा स्टेट है हमारा जो 600 की रेंज में आएगा
वो आएगा बिहार, देन फोर्थ राजस्थान, फिफ्थ जो हमारा 600 प्लस की रेंज में आएगा वो आएगा केरला, तमिलनाडु भी आएगा इसकी रेंज में, ठीक है। और इसके ही इर्द गिर्द लगभग प्लस माइनस में झारखंड भी आ जाएगा आपका, झारखंड, ठीक है। एट्थ राजस्थान की बात मैंने कर ही दी, ठीक है। उड़ीसा भी इसी के आसपास रहेगा। दैट डज नॉट मीन कि उड़ीसा बिकॉज ऑफ 600 प्लस जाएगा, मीन्स जैसे मैंने बताया 590 से 600 की रेंज में, या फिर 590 से नीचे भी हल्का फुल्का। तो ये जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट हैं, ये हाई कट ऑफ वाले स्टेट हैं जो 600 के इर्द गिर्द रहते हैं, ठीक है। दैट डज नॉट मीन कि ये कट ऑफ है, ये मैंने एक रेंज बता दी है जो हाई मेरिट वाले स्टेट होते हैं। इसके अलावा गुजरात, गुजरात, और अगर आप चाहें तो इसमें वेस्ट बंगाल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि मैं वेस्ट बंगाल को इस रेंज में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 550 में आपके जो स्टेट आएंगे वो आएंगे छत्तीसगढ़, ठीक है, वेस्ट बंगाल, फाइव फिफ्टी से लेके 590 के बीच में, थ्री वेस्ट बंगाल के बाद आपका गोवा, चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ पे एक स्टेट मैं भूल गया था, हरियाणा, हाई मेरिट स्टेट में हरियाणा भी आता है। और इसके अलावा उत्तराखंड, देन कर्नाटका, देन कर्नाटका के बाद तो इसमें जो स्टेट आएगा वो आएगा आपका 550 की रेंज में। हाँ, इतने ही स्टेट हैं, ठीक है। 500 प्लस की रेंज में आएगा आसाम, नंबर दो आपका अरुणाचल प्रदेश, हालांकि अरुणाचल प्रदेश का 400 प्लस की रेंज में आता है, मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है, 400 प्लस की रेंज में आता है। थ्री यहाँ पर एक स्टेट और होगा 550 की रेंज में, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, J&K, ठीक है। यहाँ पर 500 की रेंज में मध्य प्रदेश, प्रदेश फोर्थ ठीक है, महाराष्ट्र को मैंने इंक्लूड कर दिया था, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को मैंने इंक्लूड नहीं किया है अभी, तो महाराष्ट्र भी इसी के इर्द गिर्द 550 540 की रेंज में, महाराष्ट्र,
550 प्लस की रेंज में आएगा ये, ठीक है। तो ये सारे स्टेट हैं जो कि इस पर्टिकुलर कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। और लगातार जो ऐसे स्टेट से जहाँ पे काफ़ी कम स्कोर पे सीटें मिलती थी, अब वहाँ पर लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वेस्ट बंगाल में कम स्कोर पे सीटें मिलती थी, कर्नाटका में कम स्कोर पे सीटें मिलती थी, तमिलनाडु में कम स्कोर पे सीटें मिलती थी, इसी तरह से और भी स्टेट हैं जहाँ पे काफ़ी लो स्कोर पे सीटें मिलती थी, जम्मू एंड कश्मीर में मिलती थी कम स्कोर पे, सब में कट ऑफ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है सर स्टेट का। तो ये कुछ इस रेंज में ये आ सकता है आपका, ये सारे स्टेट, और ये कट ऑफ नहीं है, ये केवल रेंज है एक, और इस तरह का कुछ रेंज आ सकता है। हालांकि कट ऑफ जब आपकी स्टेट मेरिट आएगी तो ज़्यादा क्लियर होगा, और जब फाइनल रिजल्ट भी आएगा तब भी हल्का फुल्का क्लियर हो जाता है उसमें। कुछ इस तरह से रह सकता है आपका जो रेंज है हमारी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रह सकता है वो दिल्ली का, ठीक है। यहाँ पर 500 प्लस की रेंज में आपका एक स्टेट रह गया है, वह हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये भी 500 प्लस की रेंज में रहता है, या उससे हल्का फुल्का नीचे भी कभी कभी चला जाता है। तो सबसे हाईएस्ट मेरिट वाला हमारा दिल्ली है, जिसका कट ऑफ 650 तक जा सकता है, और सबसे लोवेस्ट हमारा जो है हिमाचल प्रदेश है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, असम हो गया, असम का उतना नहीं जाता है कम, ये भी आजकल 540-550 की रेंज में आने लगा है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसका कट ऑफ कम जाता है, हालांकि ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं तो यहाँ पे मेरिट उतनी हाई नहीं जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि क्या हो सकता है स्टेट कोटा कट ऑफ। तो इस तरह से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आपका स्कोर आ रहा है और क्या चांसेस आपके बन सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।